हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरपीएन ग्रुप मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेन इफेक्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं रेन इफेक्ट किस तरीके से दिया जाता है फोटोशॉप के अंदर। एक नॉर्मल इमेज पे आप रेन इफेक्ट कैसे दे सकते हो कि आपको इस तरीके का लुक मिले कि बारिश के टाइम में वो फोटो क्लिक करी गई है। ओके, देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा फोटोशॉप जो मैंने ओपन कर लिया है एंड इसके अंदर मुझे एक इमेज चाहिए जिसके ऊपर हम रेन इफेक्ट देने वाले हैं। तो मैंने इमेज पहले से ही डाउनलोड करा हुआ है अपने पास एंड बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है और आप देखोगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है। इसके अंदर बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आई नो इस इमेज को देख के आपको आपका बचपन भी याद आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस इमेज पे हम इफेक्ट देने वाले हैं रेन का, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इमेज ओपन कर ली। सबसे पहले हम जाएंगे अब जो हमारे पास में यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी हमें मिलती है, इसके अंदर हम जाएंगे क्रिएट न्यू फिल्टर और एडजस्टमेंट लेयर, इसमें हम जाएंगे एंड क्लिक करेंगे ग्रेडियंट, देन ग्रेडियंट पे जाएंगे एंड क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे इस तरीके का मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट की साइड में जाता हुआ ग्रेडियंट। लाइनर है, लाइनर को हम करेंगे रिडायल एंड इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ मैं सेंटर में। 90 एंगल जो हमारा दिया हुआ है मैं इसे रखूँगा 40.6, ये मेरा है वैल्यू। आप अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। स्केल पे आपने 50, अगर इससे ज़्यादा आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। रिवर्स पे मैं क्लिक करूँगा एंड ओके। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेडियंट मैंने अप्लाई कर दिया है। देन मैं यहाँ से जाऊँगा इमेज पे, इमेज पर हम आते हैं। इमेज के अंदर हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में हमारे पास आता है इन्वर्ट, इन्वर्ट पे मैं क्लिक करूँगा एंड अब मैं जाऊँगा अगेन क्रिएट न्यू फिल्टर और एडजस्टमेंट पे, देन क्लिक एंड हम जाएंगे कर्व्स पे। कर्व्स पे मैं आके इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट करने वाला हूँ। मैंने 137 की वैल्यू रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन ओके, अगेन हम इसी में जाएंगे एंड सेलेक्ट करेंगे सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर ऑप्शन ओपन होता है हमारे पास एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर्स। कलर्स के अंदर हम क्लिक करेंगे शहरों पे एंड आएंगे नेचुरल पे। देन यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा 15 यानी +15, इसको हम रखेंगे 0, इसे हमने 0 ही रखना है। देन इसमें आएंगे हम -15, देन +10। आप यहाँ देखेंगे इफेक्ट बढ़ा है हमारे इमेज पे, है ना। तो मैं इसे ओके करूँगा। देन कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज करके मैं लूँगा न्यू लेयर। मेरे पास ये न्यू लेयर आ गई एंड यहाँ पे हम लेंगे रेक्टेंगुलर मर्क्यून टूल, जो सिलेक्शन टूल जिसे हम कहते हैं। क्लिक करके यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा एंड ब्लैक कलर मैं फिल करता हूँ इसके अंदर। देन फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर के अंदर हम आएंगे एंड पिक्सेलेट, पिक्सेलेट में हम आएंगे, क्वांटिलाइज पे हम आएंगे एंड क्लिक करेंगे और हमें इस तरीके का लुक मिल रहा है। मैं ओके करूंगा। देन अगेन इमेज पे एडजस्टमेंट एंड थ्रेशोल्ड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, कुछ 200 मैंने रखा एंड इसे आप सेट करेंगे हम यहाँ कोने पे। देन कंट्रोल टी से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो टूल हमारा होता है, एंड इसे सेलेक्ट कर देंगे पूरी इमेज पे। देन हम आएंगे राइट साइड में हमारी प्रॉपर्टी पे एंड यहाँ पे सेलेक्ट द ब्लेंडिंग मोड ऑफ द लेयर। तो नॉर्मल को मैं करने वाला हूँ स्क्रीन और अब आप देखोगे हमें स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना। देन अगेन हम जाएंगे फिल्टर पे। फ्रेंड्स, फिल्टर के अंदर आने के बाद हमें मिलता है ब्लर। ब्लर के अंदर हमारे पास है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंज हो गया है कुछ। अब यहाँ पे ये इफेक्ट हमें मिल रहा है रेन के टाइप का। यहाँ पे हमें डिस्टेंस रखना है, कितने डिस्टेंस हम रखते हैं अपने रेन का, जो हमारी बूंदी आते हैं, बूंदाबांदी जो होता है हमारा। ओके करूँगा अगेन मैं फिल्टर पे, क्योंकि मुझे अभी इसकी जो बूंदाबांदी होती है वो अभी हमारा क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसके लिए मैं अगेन फिल्टर पे जाता हूँ। फिल्टर पे जाने के बाद दोबारा पिक्सेलाइट एंड क्वांटिलाइज ओके करूँगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे क्वांटिलाइज बन गए हैं, यानी कि पॉइंट्स बन चुके हैं। इमेज पे आकर अगेन थ्रेशोल्ड
एंड इस बार मैं इसको रखने वाला हूँ 147। ओके, देन फिल्टर पे ब्लर, ब्लर के अंदर हमारे पास आता है मोशन ब्लर, क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, बारिश की बूंदे। ओके, देन हम इमेज पे जाएंगे एंड एडजस्टमेंट एंड लेवल्स। लेवल्स पे मैं यहाँ रखूँगा 30 एंड यहाँ से थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगा, देन ओके। एंड फ्रेंड्स अगेन हम आएंगे एडजस्टमेंट लेयर, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट 5, देन मैं इसमें भी रखने वाला हूँ 5 एंड मैं ओके करूँगा। एंड फ्रेंड्स आप देखोगे आपको यहाँ पे मिलता है रेन इफेक्ट, यानी कि बारिश हो रही है इस तरीके का इफेक्ट आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर रेन इफेक्ट, और देखा कितना नेचुरली लुक आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज हमें मिली है। ऐसे नेचुरली हमने लुक दिया हुआ है, एक सिंपल से इमेज को रेन इफेक्ट में कन्वर्ट करा है, हमने रेन इमेज में कन्वर्ट करा है। फ्रेंड्स इस तरीके की ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।